सबसे पहले हमारे पास 9 नंबर है, हमारे पास साउथ का नंबर भी है, ये अग्नि यानी कि फायर का नंबर है। तो अग्नि फायर होने से इंसान हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करेगा, उसके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत, इतनी करेज आ जाता है उसके अंदर कि वो कभी किसी चीज को रिस्क लेने के लिए ना ज्यादा सोचता नहीं है, डरता नहीं है। उसको पता है कि मुझे अब ये काम करना ही करना है, तो वो हमेशा ही यही सोचेगा कि इस काम को मैं कब करूं, और मुझे इसके लिए भी शुरुआत करने के लिए समय की जरूरत नहीं देखने कि मैं सुबह कब उठ रहा हूँ, रात को कब सोना है, उसको कोई मतलब नहीं है। चैन से वो इंसान बैठेगा नहीं जब तक उसको कोई कुछ काम करने की जो उसने ठानी है वो काम को अच्छे से कर ना ले। फायर का नंबर 9 होना बहुत जरूरी है, और अगर 9 नंबर आपके हॉरोस्कोप से मिसिंग हो जाता है तो आप ना लेजी भी हो जाते हो, आप फिर आप सोचोगे बैठ के कि बस अब मैं करूं, इमोशनल भी हो जाओगे। 9 नंबर होने से कभी इंसान इमोशनल नहीं होता। वैसे तो आप देखोगे कि 19 आजकल जो हमारी पिछली जनरेशन थी, 19 वाली है सारी, तो सबके अंदर 9 नंबर तो है ही। तभी जो हमारे आजकल के बच्चे हैं ना वो सवाल ज्यादा करते हैं, लेकिन उसको कहते हैं ना लॉजिकल या प्रैक्टिकल करना हो तो वो थोड़ा सा भी सोचने बैठ जाते हैं, अभी करता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी मैं फोन में हूँ, अभी मैं टीवी में हूँ। उनके पास यही बात होती है क्योंकि बहुत से जो जनरेशन 2000 वाली आई है, 9 नंबर मिसिंग है क्योंकि वो डिपेंड हो गई है, क्योंकि उनको सब कुछ पका पकाया मिल गया ना, फोन बैठे बैठे सब कुछ, उनको गूगल में जो डालो सब कुछ मिल जाता है। उन्होंने कभी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, एक लाइन डाली गूगल में उनको मिल गई। तो जब तक हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो हम कभी उस चीज को फिर आगे बढ़ने के लिए वो हमें कौशल ही नहीं दे पाता, उत्साह नहीं, उत्साहित नहीं कर पाता। तो ये आजकल के बच्चों में बहुत चीजें मिसिंग है, इसलिए हर चीज को उनको चाहिए कि लॉजिक चाहिए इस चीज के पीछे। तो 9 नंबर मिसिंग हो तो ये प्रॉब्लम उसके साथ जरूर रहती है कि आलस और काम को कल्पट टालना, सिर्फ बेवजह की बहस करना, ये थोड़ा सा 9 नंबर मिसिंग वालों के अंदर ये चीजें रहती है। 9 नंबर मिसिंग रहने से ना सामने वाले के अंदर ये चीज भी एक आ जाती है कि भाई हमें सब कुछ आता है, हमें पता है। 9 नंबर मिसिंग वालों के पास ये बात जरूर होगी कि आपको क्या पता, आपको तो इस चीज का पता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतना इंटेलिजेंट है कि वो सोचता है सामने वाले को कुछ पता नहीं है। ये 9 नंबर मिसिंग की एक है। उसके बाद हमारी ग्रिड नीचे आ रही है, एक है हमारा 852। 852 हमारी सेंटर की ग्रिड है, इसको हम अर्थ बोलते हैं। अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व यानी कि स्थिरता। 852 जो है ना, किसी भी रिलेशंस में, आप किसी भी बिजनेस में ले लो, किसी भी काम में ले लो, कुछ भी लाइफ में करते हो ना, तो उसमें स्टेबिलिटी देता है 852। तो 852 में से अगर 2 नंबर भी हैं तो आपकी लाइफ में स्थिरता रहेगी, आप जमीन से जुड़े हुए काम करोगे, आपको लगेगा कि भाई हाँ भी मतलब मुझे कुछ करना है तो मैं उसको अच्छे ढंग से शुरू करूं और उसको कैसे अच्छे से अंजाम तक पहुंचाऊं। 852 होने से लाइफ में कोई भी अगर हम बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं उसके अंदर हमें सक्सेस जरूर मिलती है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि कौन से नंबर की मिसिंग है, तो उसको अगर हम तत्वों के साथ से जोड़े तो नेचुरली कि वो हम उसका हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। 8-5 बीच की ग्रिड ना होने से ना कई बार ऐसा होता है कि इंसान ग्राउंड फ्लोर पर भी नहीं रह सकता अगर ये हमारे नंबर मिसिंग हो जाते हैं तो। और कई बार ये भी देखा गया है कि 8 और ये सब 5 बीच में नहीं है या 8-5-2, तो ये लोग जमीन से जुड़ा काम भी अच्छे से नहीं कर पाते, ये लोग मतलब इनको पका पकाया मिल जाए तो ही फिर ये अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि कभी भी इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जमीन यानी कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर इनको रहना चाहिए, इनके लिए फायदेमंद भी वही होता है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 6। अगर 6-7 लेकर चलें तो ये हमारा मेटल का नंबर है। मेटल और डायरेक्शन कौन सी आती है, वेस्ट की डायरेक्शन आती है। वेस्ट की डायरेक्शन यानी कि पश्चिम।
अब अगर ये आपकी 6 और 7 दोनों ही नंबर अगर आपके उसमें है, ग्रिड के अंदर है, तो आपने कोई डिसीजन लेना है आप अच्छे से ले सकते हो। आपको 4-5 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी राय लेने में। अगर आपने कोई काम करना है और आपने कोई स्टेप उठाना है किसी भी लिए, तो आपके अंदर खुद ही अंदर एक अच्छी ऐसी पावर रहेगी कि आप ठीक समय पे डिसीजन ले सकते हो। कुछ लोग होते हैं कि एक बार डिसीजन ले लिया, या तो 10 लोगों से राय लेंगे, राय लेने के बाद फिर वो लोग सोचेंगे कि उसने ये कहा तो उसकी सुन ली, उसने ये कहा तो उसकी सुन ली, तो ऐसे लोगों में 6-7 मिसिंग होता है। और बहुत जल्दी 6-7 मिसिंग होने पर ना लोग अपनी डिसीजन की जो क्या बोलते हैं उसको, क्षमता है ना, बदल लेते हैं। एक बार डिसीजन ले लिया तो सोचते हैं फिर उसको चेंज करने की। नेक्स्ट हमारा है 1, ये सबसे नीचे आ रहा है ग्रिड के अंदर, तो ये नॉर्थ का भी नंबर है, इसको जल तत्व भी बोलते हैं। अब जल तत्व की वजह से 1 नंबर अगर आ गया, तो अगर एक नंबर जिसकी ग्रिड के अंदर है, ऐसे इंसान में बात कैसे करनी है, कोई काम कैसे करना है, स्किल्स बहुत होते हैं ऐसे लोगों के पास। कोई भी उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो उनके अंदर इतनी प्रेरणा और उत्साह बना रहता है कि वो किसी चीज से कभी घबराता नहीं है। और जल तत्व की अगर हम बात करें, नॉर्थ की बात करें, तो दिमाग में बहुत अच्छा होता है ऐसा इंसान अगर इसके पास 1 नंबर है। अब हम वैसे बाद में डिस्कस करेंगे कि 1 नंबर अगर 1 से ज्यादा है तो वो क्या माइनस प्लस दे रहे। 3 और 4 नंबर हमारा आता है वायु तत्व का। वायु तत्व के नंबर होने से अगर बैलेंस में है तो ठीक है, बैलेंस नंबर नहीं है तो इनमें बहुत ही उत्तेजना रहती है, किसी हर काम में जल्दी, हर काम के अंदर जल्दी, एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करेगा। और इनके जो आपस में रिलेशंस होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं, हर एक से ये लोग बनाकर रखते हैं 3 और 4 वाले, क्योंकि इनके पास दिमाग भी अच्छा है। और अगर कोई इनसे नाराज भी हो जाता है तो इनके पास अपने आप ही दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती है कि सामने वाले को कैसे उसको मनाना है, कैसे किसी को एक करना है। इनके पास ये भी, अगर इनके फ्रेंड सर्कल में 10 फ्रेंड में से 2 फ्रेंड के आपस में झगड़ा भी हो जाता है तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि ग्रुपिंग में, फैमिली में कुछ भी करके सबको फिर से एक कर देते हैं। घूमने का इनको बहुत शौक होता है, ये कभी भी एक जगह पे ज्यादा टिक कर नहीं बैठ सकते। और काम भी इस तरह से करेंगे जो मार्केटिंग से जुड़ा काम हो। अगर एज के अकॉर्डिंग बिजनेस में ये लोग नहीं आए तो इन्हें खुद भी घूमने का बहुत शौक होता है, ये बहुत ज्यादा देर तक किसी एक जगह पर बंद कर नहीं रह सकते। इनके अंदर इमोशंस भी कम होते हैं, इतने भी नहीं, मतलब ये हर चीज को सीरियस ज्यादा नहीं लेते। ये बोलते हैं ठीक है जो है आगे बढ़ो और प्रैक्टिकल चीजों को लेकर आओ, अगर ये नहीं मिला तो ये मिल जाएगा, तो इनकी ये सोच बहुत ही अच्छी होती है। अगर जैसे मेटल का बताया था 6-7 अगर नहीं है तो इनमें थोड़ा सा एक ये भी माइनस रहता है कि इनमें डेली इनकम सोर्स में थोड़ी सी कमी रहती है, अपस्टॉन बहुत चलते रहते हैं, कोई चीज इनकी फिक्स नहीं होती। और कई बार तो ऐसा भी है कि 6-7 अगर नहीं है तो बैंक बैलेंस भी इनका बहुत कम रहता है, या जिस तरह से हम लोग बहुत सी चीजें जोड़ कर रखते हैं तो वो चीज इनके पास, उस चीज की भी कमी रहती है। ये एक तरह से हमारे मेटल्स के साथ। और ये है, अब इसमें है कि हम रेमेडी वाला कैसे काम करते हैं कि अगर आपके पास इन नंबर्स की मिसिंग है तो आपको क्या रेमेडी करनी है। अब 852 में से अगर 2 नंबर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 852 में से 3 ही नंबर नहीं है या सिर्फ 2 नंबर नहीं है, 5 है तो चलेगा, क्योंकि 5 मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग वाला नंबर है, वो बैलेंस कर लेता है। तो पृथ्वी अर्थ का 852 अगर मिसिंग है तो ऐसे इंसान को पृथ्वी से जुड़ी चीजें अपने पास रखनी, जैसे कि स्फटिक हो गया, क्रिस्टल हो गया, कोई चमकीला पत्थर हो गया, तो इस तरह की चीजें अगर वो अपने पास रखता है तो जस्ट एक रेमेडियल का पार्ट है। अगर 1 नंबर उसके पास मिसिंग है हमारा वाटर वाला, तो वो इंसान जहां ज्यादा समय गुजारता है वहां पर अगर पानी से जुड़ी नेचुरल चीज रखता है,
जिसकी कोई जल का बहुत बड़ा वो कटोरा सा भर के रख ले तो उसके लिए ठीक है। फवारा है, फाउंटेन कई लोग अपने पास रखते हैं, और ब्लू कलर या सिल्वर अपने पास रख ले तो ये वन नंबर की कमी बहुत हद तक कम हो जाती है। नाइन नंबर अगर मिसिंग है तो अग्नि तत्व का नंबर है तो नेचुरली रेड बल्ब हो गया, रेड रुमाल हो गया, या जहां पर वो है डायरेक्शन एक बार फिर भी देख लेंगे तो ट्रायंगल की शेप में बना के कुछ ना कुछ चीज अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि अपनी स्टडी टेबल पे रख ली, या गले में आप ट्रायंगल का कोई एक वो पहन सकते हो जो गले में पहनते हैं। वायु तत्व में अगर 3-4 मिसिंग है तो रुद्राक्ष तुलसी की माला बहुत ही अच्छी रहती है। 6-7 वाले में धातु मेटल ये सब अगर मिसिंग है तो किसी भी धातु की चेन हो गई गोल्ड में, या घड़ी या कोई रिंग, इसको आप पहन सकते हो। अब कहते हैं कि ये तीन लाइन इधर, तीन लाइन, तीन लाइन इधर, किसी की कोई तीनों लाइन ही मिसिंग है तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि इंसान को अपने हाथ में गोल्ड का कड़ा हमेशा ही पहन के रखना चाहिए, जो कि लोशो में फेंगशुई के अंदर एक बहुत अच्छी चीज की रेमेडी है। मैम किस चीज का कड़ा पहनना चाहिए? गोल्ड का कड़ा। मैम कौन से हाथ में पहनना चाहिए? हाथ में तो वैसे सीधे में पहनो, इजी जिसमें रहे आप उसी में पहन सकते हो। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि राइट में या लेफ्ट में, किसी में भी पहन सकते हो। तो एक ये बहुत अच्छी रेमेडी है इसमें लोशो में कि कोई भी है एक हाथ में गोल्ड का एक कड़ा उसके पास जरूर होना चाहिए। अब देखो सबके पास अगर नहीं है तो उसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में पीतल का कड़ा भी ले सकते हो उसको पहनो। मैम गोल्ड की रिंग भी तो पहन सकते हैं। नहीं बेटा, कड़ा अलग है, रिंग अलग है। ओके ठीक है, ओके मैम। हाँ कड़ा पहनो, या तो फिर हम लोग पीतल का कड़ा पहन सकते हैं, तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, वो भी नहीं है अगर बहुत है तो हम एक फिर पीला धागा तो कम से कम हाथ में पहने। पीला धागा, ओके मैम। मोस्टली तो ठीक है आजकल सब ले लेते हैं कड़ा, यूज कर सकते हैं।